आवाज सबको आ रही है? ओके, तो ये पी टाइप आपके पास इम्प्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमने क्या क्या गो थ्रू किया है इस स्लाइड में, मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट से तो हमने डिस्कस किया है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी थ्योरी हमने देखी है, एटॉमिक बॉन्डिंग हमने देखी है, फिर उसके बाद जो है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, वो हमने देखा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स देखे हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम देखी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर की क्रिएशन और रिकॉम्बिनेशन हमने देखा है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद सिलिकॉन को हीट किया जा रहा है उसको हमने किया है, देखा है इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट जो है, ठीक है, वो किस तरह जनरेट होता है और किस तरह उसको हम लेबल करते हैं, उस चीज को देखा है। फिर इलेक्ट्रॉन और होल जो है उनकी मूवमेंट और करंट जो प्रोडक्शन है उसको हमने देखा है। उसके बाद कंपैरिजन हमने किया है सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का, और फिर उसके बाद बैंड डायग्राम हमने देखी है इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स के लिए, और उसके बाद हमने फाइनली अभी एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उनको देखा है। डोपिंग प्रोसेस हमने देखा है, डोपिंग प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं, और ये हमने डायग्राम देखी है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और किस तरह होल क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, ये अब इतनी थियरी करने के बाद हम जो है पहुंचे हैं कि हम डिवाइस के ऊपर अब जाएं, ठीक है, किसी डिवाइस को डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइस है वो पी एन जंक्शन है, या उसको डायोड भी कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, या पी एन जंक्शन भी कहते हैं। तो पी एन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इफ यू टेक अ ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन एंड डोप हाफ ऑफ इट विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी सिलिकॉन का हाफ जो है पीस वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप हो, एंड अदर हाफ विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ए बाउंड्री कॉल्ड पी एन जंक्शन इज फॉर्म बिटवीन द रिजल्टिंग पी टाइप एंड एन टाइप पोर्शंस ऑफ अ सेमीकंडक्शन डायोड। ये आपके पास पी एन जंक्शन जो है वो बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस सेक्शन में देखें कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन यू गाइस शुड बी एबल टू नो और डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायसिंग ऑफ अ डायोड, डिफाइन पी एन जंक्शन, डिस्कस द डिप्लीशन रीजन इन अ डायोड, और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है डायोड में, डिस्कस फॉरवर्ड बायस, डिस्कस रिवर्स बायस, एंड डिफाइन रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है डायोड में। ये टर्म्स जो है, ये जो है प्रॉपर्टीज, ये आप स्टडी करेंगे इस पोर्शन में। तमाम बच्चों को आवाज आ रही है? बच्चों आवाज सबको आ रही है? गुड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, आगे चलते हैं। There is no movement of electrons current through a diode at equilibrium. The primary usefulness of a diode is its ability to allow current in one direction. ठीक है, तो डायोड क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है और दूसरी डायरेक्शन में जाने नहीं देता, एंड टू प्रिवेंट करंट इन द अदर डायरेक्शन एज डिटरमाइंड बाय द बायस। बायस किस तरह है उस पर यह डिपेंड करेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स बायस रेफर्स, बायस से क्या मुराद है, बायसिंग ऑफ अ डायोड से क्या मुराद होगी, इन इलेक्ट्रॉनिक्स बायस रेफर्स टू द यूज ऑफ अ डीसी वोल्टेज टू एस्टेब्लिश सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशंस फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो किस तरह बायसिंग होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। देयर आर टू प्रैक्टिकल बायस कंडीशंस फॉर अ डायोड, कौन कौन सी होती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ईदर ऑफ दीज कंडीशन इज क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ सफिशियंट एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द प्रॉपर पोलैरिटी अक्रॉस द पी एन जंक्शन। ठीक है, तो वो प्रॉपर पोलैरिटी जो है उसको अप्लाई करके जो है ये कंडीशन क्रिएट की जाती है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ डायोड। डायोड में डिप्लीशन रीजन जो है वो किस तरह बनता है। ए डायोड कंसिस्ट ऑफ एन एन रीजन एंड अ पी रीजन सेपरेटेड बाय अ पी एन जंक्शन। ठीक है, पी एन जंक्शन जो है वो सेपरेट करता है पी रीजन और एन रीजन को। वो कैसे करता है वो अभी देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, as illustrated in figure 10. figure 10 ye hai aapke samne, isko abhi dekhte hain. the n region has many conduction electrons and the p region has many holes.
एन रीजन में बहुत से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी रीजन में बहुत से होल्स होते हैं. विद नो एक्सटर्नल वोल्टेज द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन आर रैंडमली ड्रिफ्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, रैंडमली तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं. ये देखिए, ये डायग्राम है आपके सामने, ये सबको क्लियर नजर आ रही है किस तरह होती है. एक तरफ आपके पास पी टाइप मटेरियल है, पी रीजन है, इस साइड पे आपके पास एन टाइप या एन रीजन है, और दरमियान में आपके पास क्या है, पीएन जंक्शन है. ठीक है, तो इस पीएन जंक्शन के एक साइड पे आपके पास एन रीजन हो गया, एक साइड पे पी रीजन हो गया, और इस जो जंक्शन है पीएन जंक्शन या डिप्लीशन रीजन, ये किस तरह बनता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके होल्स के साथ मिल जाते हैं इस बाउंड्री पे. ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो पीछे पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो ये एक लेयर बन जाती है, एक बैरियर बन जाता है. ठीक है, डिप्लीशन रीजन एक बन जाता है. अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ये होल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये इनको भी लूज नहीं करना चाह रहे हैं. यहाँ पे ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, इसको ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नली हमें कुछ वोल्टेज अप्लाई करना होगा ताकि ये बैरियर या डिप्लीशन रीजन जो है वो खत्म हो. तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है आगे. ये एट द इंस्टेंट ऑफ जंक्शन फॉर्मेशन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन ड्रिफ्ट अक्रॉस इनटू द पी रीजन एंड रिकम्बाइन विद होल्स नियर द जंक्शन. यहाँ इस जगह की बात कर रहा है वो जंक्शन की. एज शोन इन पार्ट ए, ठीक है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन दैट क्रॉसेस द जंक्शन एंड रिकम्बाइंस विद अ होल ए पेंटावेलेंट एटम इज लेफ्ट विद अ नेट पॉजिटिव चार्ज इन द एन रीजन नियर जंक्शन मेकिंग इट अ पॉजिटिव आयन. Also, when the electron recombines with a hole in the p region, a trivalent atom acquires net negative charge, making it a negative ion. Okay. As a result of this recombination process, a large number of positive and negative ions builds up near the p-n junction. अब इनकी बात क्या है कि ये यहाँ पे p-n junction जो है, यहाँ पे build up हो जाते हैं positive and negative ions. As this buildup occurs, the electrons in the N region must overcome both the attraction of the positive ions and the repulsion of the negative ions in order to migrate into the P region. Thus, as the ion layers builds up, the area on both sides of the junction becomes essentially depleted of any conduction electrons. A hole and is known as the depletion region. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, depletion region. इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं रह पाते. ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बिल्डअप बन जाता है. दिस कंडीशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10. व्हेन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड, द डिप्लीशन रीजन हैज वाइडेंड टू अ पॉइंट वेयर नो मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस द पीएन जंक्शन. उसके बाद देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द पीएन जंक्शन creates a barrier potential across the depletion region as indicated in figure 10b. The b aapne figure dekhi hai, uski baat kar raha hai. The barrier potential vb is the amount of voltage required to move electrons through the depletion region. At 25 degrees centigrade it is approximately 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. Room temperature pe dekhen iski value, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है जबकि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है. एज द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. देखिए, इस बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहा है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 है. अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है बायसिंग ऑफ डायोड. तो बायसिंग डायोड जो है वो किस तरह से होती है हमारे पास, कि हमने उसके जो बैटरी है वो किस तरह से कनेक्ट की है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, या हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव अटैच की, उसको कहते हैं बायसिंग ऑफ अ डायोड. फॉरवर्ड बायस में देखें, फॉरवर्ड बायस इज अ कंडीशन दैट परमिट्स करंट थ्रू अ डायोड. फिगर 11 शोज अ डीसी वोल्टेज कनेक्टेड इन अ direction to forward bias the PN junction. Notice that the negative terminal of the V
bias source is connected to the N region and positive terminal is connected to the P region. देखें पॉजिटिव जो साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है और नेगेटिव साइड जो है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है. तो इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस. ये सबको क्लियर है बच्चे? फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस ओके. तो नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्कशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस फॉलोज. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बायस वोल्टेज सोर्स पुशेस द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन टुवर्ड द पीएन जंक्शन व्हाइल द पॉजिटिव टर्मिनल पुशेस द होल इन द पी रीजन आल्सो टुवर्ड द पीएन जंक्शन. रिकॉल दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. When it overcomes the barrier potential, the external voltage source provides the N-region electrons with enough energy to penetrate the depletion region and move through the junction. Where they combine with P-region holes, as electrons leave the N-region, more flow in from the negative terminal of the bias voltage source. Thus, current through the N-region is formed by the movement of conduction electrons. Majority carriers towards the p-n junction. Once the conduction electrons enter the p region and combine with holes, they become valence electrons. Then they move as valence electrons from hole to hole toward the positive connection of the bias voltage source. The movement of these valence electrons is the same as the movement of holes in the opposite direction. Yani electrons ek direction mein aur holes opposite direction mein move kar rahe hote hain. Jaise ki humne pehle bhi discuss kiya hai. Thus, current in the P region is formed by the movement of holes, majority carriers toward the PN junction. Figure 12 illustrates current in a forward bias diode. ठीक है? देखिए figure 12 जो है ये forward bias है. Positive के साथ positive और negative के साथ negative connected है. तो ये देखिए आपके पास जो है electrons इधर से move कर रहे हैं इस side पे negative से positive की तरफ attract हो रहे हैं. और होल्स जो है वो इस साइड से इधर मूव कर रहा है राइट साइड पे एन रीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग. और रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा. ठीक है? तो रिवर्स बायस में क्या होता है? डायोड करंट कंडक्ट नहीं करता. उसके बाद देखें द इफेक्ट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इन द डेप्लीशन रीजन इज टू अपोज फॉरवर्ड बायस. This is because the negative ions near the junction in the P region tend to prevent electrons from moving through the junction into the P region. You can think of the barrier potential effect as simulating a small battery connecting in direction to oppose the forward bias voltage, as shown in Figure 13. ठीक है? जो barrier potential होता है, ये forward bias में current को move करने से रोकता है. और किस हद तक रोकता है उसकी एग्जांपल को कहता है आप ले सकते हैं एक बैटरी से जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है. यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू ये नेगेटिव से अटैच है. अब इस जो बैटरी का पोटेंशियल है वो सिलिकॉन के लिए कितना होगा? 0.7 और जर्मेनियम के लिए कितना होगा? 0.3 वोल्ट ऑफर करती है बैटरी. तो इसको ओवरकम करेंगे तो हमारा जो करंट है वो इस तरह से सर्किट में मूव करेगा. ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है बायसिंग का. बायसिंग किस तरह होती है? डिप्लीशन रीजन किस तरह एक्ट करता है? ठीक है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा फिगर 13 रिपीट कीजिएगा. फिगर 13 में देखें बच्चे आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है थ्रू रेजिस्टर आ रहा है. ये रेजिस्टर लगाया हुआ कोई भी लोड हो सकता है.
ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें, जो आपके पास डिप्लीशन रीजन है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे एक स्मॉल बैटरी लगी हो जो अपोज कर रही है आपके करंट को, यानी यहां से जब करंट मूव करेगा तो ये बैटरी उसको अपोज करेगी, रोकेगी। और इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, सिलिकॉन के केस में ये बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट जो है वो ऑफर करेगा, और जर्मेनियम के केस में ये जो है कितना ऑफर करेगा, 0.3 वोल्ट ऑफर करेगा, ठीक है। तो इस इतने पोटेंशियल ये से ये इसको करंट को रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो एक बार इस पोटेंशियल को ओवरकम करेंगे तो हमारा करंट जो है इसमें से यू फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब ये नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास क्या है, रिवर्स बायस पढ़ते हैं। रिवर्स बायस इज द कंडीशन दैट प्रिवेंट्स करंट थ्रू द डायोड। फिगर 15A शोज डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू रिवर्स बायस डायोड। नोटिस दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द रिवर्स सोर्स इज कनेक्टेड टू पी रीजन, ठीक है। ये अपोजिट आपने टर्मिनल कर देना है, ठीक है। और ये फिगर जो है इस वक्त इधर स्लाइड में नहीं है मेरे पास, लेकिन ये फिगर आपको इसकी बुक में से मिल जाएगी, फ्लॉयड की बुक में से। ये सारा मैंने वहीं से मटेरियल लिया है फ्लॉयड की बुक में से। जब आप फ्लॉयड की बुक में जाएंगे तो आपको रिवर्स बायसिंग कंडीशन में वो फिगर भी मिल जाएगी, ठीक है। ए डिस्कशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन फॉर रिवर्स बायस फॉलोस। क्या होती है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बायस वोल्टेज सोर्स अट्रैक्ट्स होल्स इन द पी रीजन अवे फ्रॉम द पी जंक्शन, व्हाइल द पॉजिटिव टर्मिनल आल्सो अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द पी जंक्शन। एज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अवे फ्रॉम द पी जंक्शन द डिप्लीशन रीजन वाइडन्स, ठीक है। जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइड होता जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। मोर पॉजिटिव आयंस आर क्रिएटेड इन द एन रीजन एंड मोर नेगेटिव इन द पी रीजन एज शोन इन फिगर 15B, ठीक है। ये आप उधर फिगर देख लेंगे और की बुक में, द इनिशियल फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अवे फ्रॉम द पी जंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसिएंट करंट एंड लास्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स बायस। द डिप्लीशन रीजन वाइडन्स अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इक्वल्स एक्सटर्नल बायस वोल्टेज। एट दिस पॉइंट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन स्टॉप मूविंग अवे फ्रॉम द पी जंक्शन एंड मेजॉरिटी करंट सीजेस, ठीक है। मेजॉरिटी करंट जो है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है उसके बाद। उसके बाद क्या होता है, अगर मजीद इस पे आप अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस तो क्या होगा, ब्रेक डाउन आ जाएगा, रिवर्स ब्रेक डाउन। इफ द एक्सटर्नल रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज टू अ लार्ज इनफ वैल्यू रिवर्स ब्रेक डाउन अकर्स। द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस। क्या होता है रिवर्स ब्रेक डाउन में, अज्यूम दैट वन मिनोरिटी कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स इनफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स टू एक्सेलरेट इट टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द डायोड। ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल इट कोलाइड्स with an atom and imparts energy, enough energy to knock a valence electron into the conduction band. There are now two conduction band electrons, each will collide with an atom, knocking two more valence electrons into the conduction band. There are now four conduction band electrons, which in turn knock four more in atoms into the conduction band. This rapid multiplication of conduction band electrons known as avalanche effect, ठीक है। तो इसकी वजह से जो avalanche effect पैदा होगा और वो क्या करेगा, results in a rapid buildup of reverse current. तो reverse current जो है वो एकदम से बढ़ेगा और क्या करेगा, आपका diode जो है वो damage हो जाएगा। Most diodes normally are not operated in reverse breakdown and can be damaged, देखा तो कह रहे हैं, एंड कैन बी डैमेज इफ दे आर, अगर उनको ऐसे इस्तेमाल किया तो वो डैमेज हो जाते हैं। हाउएवर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायोड, हाउएवर वो कहता है एक पर्टिकुलर टाइप जो है स्पेशल पर्पस डायोड, जैसे हमने अभी सिलेबस के आउटलाइन में देखा था कि जीनर डायोड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है और वो स्पेशल पर्पस डायोड होता है और उसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ठीक है। वो कहता है हाउएवर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायोड नोन एज जीनर डायोड specially designed for reverse breakdown operation, usko specially design kiya hai reverse breakdown operation ke liye aur wo reverse breakdown mein operate karta hai, theek hai bacche, kafi aaj ke liye itna। aaj ke liye itna kafi hai,
तो फिर हम टोटल हमने जो है तकरीबन 39 की कई स्लाइड्स कर ली है, ठीक है। तो ये बेसिक्स थी, अच्छा हो गया हमारा आज का लेक्चर, हमने काफी कुछ इसमें कवर कर लिया है। तो उसके साथ मैं आपके साथ जो है फ्लॉइड की बुक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, उसको भी आप देखें, और ये जो है लेक्चर है आपका इसको भी देखें, ठीक है। फ्लॉइड की बुक में आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।